मुझे पता नहीं ये क्या है, पर जो भी है दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तुमने मुझे डरा दिया, इसलिए मैंने उसे निकल लिया। चलो भी, मैंने थोड़ा सा ही तो खाया है। वो बात नहीं है, तुमने अबंडन डॉग डंपलिंग्स खाई। वो क्या है, तुम्हारा कोई गैजेट है क्या? डॉग्स और कैट्स को अगर दूर छोड़ा है तो वो अपने आप वापस आ जाते हैं ना? वो वापस ना आए इसलिए उन्हें ये खिलाते हैं, ताकि वो अपने घर का पता भूल जाए। तो तुमने इतनी खतरनाक चीजों को यहाँ रखा क्यों है? तुम्हारी गलती है, तुमने इन्हें बिना पूछे खाया है क्यों? अब मुझे वो डंपलिंग्स खरीदनी होंगी जिनसे इसका असर उल्टा हो जाए। तब तक चाहे कुछ भी हो जाए, तुम घर से बाहर मत निकलना। अगर तुम घर से बाहर गए तो कभी वापस नहीं आ पाओगे। मैं समझ गया, कुछ भी हो जाए मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। नोबिता, बाजार से थोड़ा सामान ले आओ। मॉम, आज मैं नहीं जाऊंगा, आप चले जाइए बाहर। क्या हो गया है तुम्हें? मैंने बस सामान लाने को ही तो कहा। मॉम, मैं चला जाता हूँ। तुम कितने अच्छे हो। चलिए, भूल कर भी बाहर मत चले जाना, समझे तुम? जब तक मैं ना आऊँ यहीं पर बैठे रहो। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। हे नोबिता, हमें एक प्लेयर की जरूरत है। नोबिता, क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? तुम बाहर आओगे या नहीं? तुम लोगों को और कोई काम तो है नहीं, जब देखो बैट उठा के आ जाते हो। मैं नहीं आ रहा, जाओ। आखिर इसे क्या हो गया? आज के बाद हम इसे खेलने के लिए कभी नहीं बुलाएंगे, ठीक है? बोर हो रहा हूँ, बेसबॉल ही खेल लेता। अरे वो बॉल बिल्कुल नहीं थी। इसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। बस पहुंच ही गया हूँ। चाहिए था ना, पर मुझे यहाँ से मेरा घर दिख रहा है। कोई बात नहीं, मैं अभी घर जा सकता हूँ। अरे बेटा, क्या तुम मुझे रास्ता बता सकते हो? अंकल माफ कीजिए, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। आजकल के बच्चों का पता नहीं क्या हो गया है, किसी की मदद भी नहीं करते हैं। मैं मिस्टर यामादा का घर ढूंढ रहा हूँ, मुझे वही पूछना था। नोबिता कहाँ चला गया? मैंने उससे कितनी बार मना किया था, अब क्या होगा? मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा? शायद इस तरफ गया होगा। कहाँ है ब्लॉक टू? मुझे कहीं मिल नहीं रहा। तुम्हें रास्ता पता नहीं था तो मेरे साथ क्यों आए, बोलो? इतने बड़े होकर भी आप रो रहे हैं अंकल, रोना तो मुझे चाहिए था। आप भी ना अंकल। तुम रहने दो, जाओ, मैं खुद ढूंढ लूंगा। थैंक्स तो बोल देते अंकल। अरे मैं कहाँ हूँ? वो पता ढूंढते ढूंढते ना जाने मैं कहाँ आ गया। अब मैं क्या करूँ? मेरा घर कहाँ है? शायद मैं इसी रास्ते से आया था। नहीं नहीं, मैं इसी रास्ते से आया हूँगा, नहीं इस रास्ते से। कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिरकार मैं आया किस रास्ते से था? अरे पुलिस अंकल, पुलिस अंकल, मुझे आपकी मदद चाहिए थी। मेरा घर कहाँ है? उस तरफ। शुक्रिया। अरे रुक जाओ, मेरा ध्यान कहीं और था, मैंने तुम्हें गलत रास्ता बता दिया। रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। मेरा घर कहाँ है? ये तो नहीं, कहाँ है घर? चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना घर ढूंढता रहूंगा। वो तो स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी है, वहाँ पहुँच गया तो घर भी पहुँच जाऊंगा। अरे शिजुका, शिजुका मिल गई, वो मेरी मदद करेगी। ये शिजुका, रुक जाओ, रुको तो सही। शिजुका,
चिज़ुका को हो क्या गया? उसे मेरी आवाज सुनाई क्यों नहीं दे रही? चिज़ुका, चिज़ुका। माफ करना, मुझे लगा चिज़ुका तुम माफ करना। अरे ये कौन सी जगह है? मेरा घर कहाँ है? मुझे घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। नोबिता, जरा सुनो, क्या तुमने इसे कहीं देखा है? हाँ, मैंने उसे अभी अभी वहाँ रोते हुए देखा है, वो उस तरफ गया है। क्या तुम सच कह रही हो? बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है मैं अपने घर से और दूर जाता जा रहा हूँ, अब क्या करूँ? नोबिता, 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 डोरेमोन, डोरेमोन, मैं यहाँ हूँ, डोरेमोन। नोबिता, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, अगर मेरी आवाज आ रही है तो जवाब दो। नोबिता, तुम कहाँ हो? घर पे पूरा दिन सिर्फ वीडियो गेम्स ही खेलता है। मेरा बेटा भी ऐसा ही है। जरा सुनिए, मेरा घर कहाँ है बता दीजिए। तुम आखिर कहाँ रहते हो? अपने घर का पता बताओ। घर का पता और मेरा नाम कुछ याद नहीं। जब मैं उसके अंदर गिरा उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। कोई मेरी मदद करो, मुझे घर जाना है, कोई मुझे मेरे घर लेकर जाओ। मेरा घर उसे इतना ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। ये सब मेरी गलती है, मुझे अपने गैजेट को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। दोस्तों, लगता है अब हम नोबिता से कभी नहीं मिल पाएंगे। मैं अपने प्यारे दोस्त नोबिता को कभी नहीं भूल पाऊंगा, कभी नहीं। मॉम, डैड, मैं और नहीं चल सकता, बहुत भूख लगी है और थक भी गया हूँ। ये तो टेस्टी लग रहा है। क्या तुम मुझे थोड़ा सा दोगे? दे दो ना प्यारे डॉगी। तुम बहुत अच्छे हो डॉगी, मुझे भूख लगी थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आओ वो। अब तो पक्का हो गया कि वो कभी घर वापस नहीं आएगा। डोरेमोन! पता नहीं क्यों मुझे उसकी आवाज आ रही है। डोरेमोन! अब तो नोबिता मुझे दिखाई भी देने लगा है। किया? क्या कहा? तुमने मुझे मिस किया?
बताएं मुझे कितनी भूख लगी हुई है। नोबिता तुम इतनी रात तक कहाँ थे? वो दरअसल मॉम डोरेमोन ने डंपिंग बाहर छोड़ दी थी और मुझे कुछ नहीं सुनना। मदद नहीं करवाते, पढ़ाई लिखाई तुम करते नहीं हो, सारा दिन खेलते रहते हो, आखिर चाहते क्या? चाहे अभी कुछ भी हो रहा हो पर मुझे खुशी है कि नोबिता वापस आ गया।